दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल अलीक अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर बेग फोरम में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है तालीम व तरबियत। आज इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि जो बच्चों के नाकामी के अज़वाब क्या क्या हैं और उनकी गफलत के नतज क्या हैं। देखिए, कोई भी शादी के बाद जोड़े की एक ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि उनके घर में कोई नन्ना सा मेहमान जल्द से जल्द आए। और जब वो नन्ना मेहमान आता है तो उनके घर में मसर्रत, खुशियों के साथ साथ बेशुमार बरकतें लेके आता है। और अब वो जब आता है तो अपने वालदेन के जो जिगर का टुकड़ा जो होता है वो बड़ी नाज़ो नाज के साथ उस बच्चे को पाला जाता है। और उसके बाद अब जब वालदेन देखते हैं अपने बच्चों को फलता फूलता अपने सामने, तो सच में उनका दिल जो है वो बिल्कुल बाग बाग हो जाता है। माँ एक ऐसी अल्लाह ताला ने हस्ती बनाई है कि उसका पूरा दिन का सुकून चला जाए, रात की नींद भी चले जाए, तब भी अपने बच्चे की खिदमत में लगी रहती है। उसे बड़ा सुकून मिलता है अपने बच्चे की खिदमत में। और इसी तरह से जब बाप या वालिद साहब जब आते हैं थके हारे अपने ऑफिस से, डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद अपनी सारी थकन भूल जाते हैं जब अपने बच्चों को देखते हैं, उसकी तोतली आवाज़ से का सुनना, उसके बाद फिर छोटा सा कदमों से चलना और फिर चलते चलते गिर जाना, तो उसकी मुस्कुराहट देख के वो अपनी सारी थकान बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इस कंडीशन में और एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा बच्चों के अंदर एक कैसी कशिश रखी है कि संजीदा से संजीदा कोई शख्स हो, गुस्से वाला हो, लेकिन अपने बच्चों को देखकर उसके बच्चों की खुशियाँ, मुस्कुराहट, हंसी, इस सब देखकर उसकी सारी थकान मिट जाती है, सारा गुस्सा चला जाता है। तो घर में जब नन्ना मेहमान आता है तो बेशक चारों तरफ जो है वो मसरत की हवाएँ चलती हैं, कह सकते हैं खुशबुआ बिखरती जाती हैं, परिंदे चहचहाने लगते हैं और कलियां मुस्कुराने लगती है, एक ऐसा समा बन जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बच्ची की पैदाइश पर ये गैर मामूली मसरत यूँ ही नहीं होती, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है, एक बहुत बड़ी एक छुपी एक चीज़ है जो अल्लाह ताला हमें एक संदेश या मैसेज देना चाहता है कि ये बेशक ये जन्नत का जो ये फूल है वो एक अनमोल तोहफ़ा है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। ये एक अनमोल तोहफ़ा, ये अल्लाह ताला का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है हमारे लिए, इसको समझना है, ये अनमोल तोहफ़ा है हमारे लिए। और जैसे तोहफे की को या कोई गिफ्ट होता है तो हमें बिल्कुल हिफाजत से रखते हैं, तो उसको उसी चीज़ उसी तरह से हमें भी अपने इस तोहफे को बहुत हिफाजत के साथ बहुत अच्छी उसकी तरबियत करनी है, जो कि आज हम इस टॉपिक के ज़रिए से बताएंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसकी वजह से घर में नो डाउट खैर व बरकत आती है, वालदेन के ताल्लुकात और मुस्तकिम होते हैं। यानी अगर हस्बैंड वाइफ के बच्चे आने के बाद ये रिसर्च कहती है, ये डेटा से प्रूव है कि उनके रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ज़्यादा खुशगवार हो जाते हैं और ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं पहले के मुकाबले में। और बच्चों को देखकर जैसे मैंने कहा कि आंखें बिल्कुल उसकी ठंडी हो जाती हैं, वालदेन की कल्ब जो है दिल मुतमईन हो जाता है। बच्चों की दुनिया में क्या है, दुनिया में आप क्या चाहते हैं, आपका दिल सुकून से हो और आपकी आंखें ठंडी हो, तो उससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। और जब वालदेन जब बच्चों को देखते हैं तो नो डाउट ये सारी इनको जो है वो कैफियत इनके पास होती है, सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। और बच्चों की वजह से ख़ानदान का तसल्सुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई अगर बच्चे होते हैं तो सही ख़ानदानी जो निज़ाम है वो भी आगे बढ़ता है। ये सारे वजूहात हैं जो अल्लाह ताला ने हम सब लोग ये सबब है, खुशी के एक सबब है। लेकिन एक और बात भी ये है कि इन मसर्रतों के साथ साथ, इन खुशियों के साथ साथ बच्चा अपने साथ कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी लेके आता है। अब वो ज़िम्मेदारियाँ हर वालदेन को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे खुश दिली से इसको पालना पोसना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। खुश दिली यहाँ पे एक बार मैं इस्तेमाल किया, खुश दिली का मतलब भाई हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम देनी है और उनको पालना पोसना है खुश दिली के साथ, खुशी के साथ। जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उस अब अगर हम जो कोई भी काम करते हैं उसमें अगर हमें खुश दिली होती है तो वो काम अच्छा होता है। इसी तरह से अगर हम बच्चों को खुश दिली के साथ पालेंगे तो बच्चे एक अच्छे शहरी भी बनेंगे, एक अच्छे ऐसा
का नाम करेंगे जिसमें हमारा भी नाम होगा, ख़ानदान का नाम होगा और हमारे मुल्क का भी नाम होगा। तो हमें बच्चों की तरबियत करनी है उनको खुश दिली के साथ, उसके साथ साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करना है, क्योंकि ये साइंस बताती है, साइंस से प्रूफ है कि हम बच्चों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत के साथ रहेंगे तो उनके अंदर भी वो सारी चीज़ें डेवलप करते हैं और वो भी अपने समाज, अपने दोस्तों, आगे चल के वो भी इसी तरह से अपना जो मामला दूसरों के साथ भी करते हैं। तो अगर हम बच्चों के साथ बहुत चिट्ठापन करेंगे, बहुत उनके साथ बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, तो उसका इफेक्ट बच्चों पे आएगा, वही चीज़ गुस्सा बच्चा जो है दूसरी तरफ निकालेगा। दूसरी चीज़ जो बड़ी अच्छी है कि हमदर्दी, प्यार मोहब्बत से उसे सिखाना पढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल बहुत सारे टीचिंग मेथोलॉजीज मौजूद हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टीचिंग मेथोलॉजी ये है कि बच्चों को हम हमदर्दी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ उस चीज़ों को समझाएं, रोल प्ले के साथ उन लोगों को बताएं, तो वो जो है वो सीखेगा, तरबियत भी होगी और तालीम के साथ तरबियत भी होगी। उसके साथ जो सबसे अच्छी बात जो हमें करनी है अल्टीमेटली, वो अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहले कि वो एक अच्छा मुअज़्ज़ब शहरी इंसान बने, ये हमारी जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। उसके साथ जो हमारी तालीम और तरबियत में इस चीज़ को भी हमें अपने कंटेंट में रखना पड़ेगा, अपने निसाब में रखना पड़ेगा कि हमारे अकायद जो हैं वो भी सुधर जाएं और आमाल को भी सुधारने वाले हों, अखलाक को भी सुधारने वाले हों, बच्चों की सेहत और आफियत का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये भी साइंटिफिकली प्रूफ है कि हम बच्चों को अच्छी डाइट प्रोवाइड करें, अच्छी बैलेंस डाइट प्रोवाइड करें और बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दें, किस टाइम पर खाना है, किस टाइम पर उसको खेलना है, किस टाइम पर पढ़ना है, किस टाइम पर उसको आराम करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और किस टाइम पर बाहर जाना है उसका, इस तरह का एक सिस्टम बना दें। नमाज़ों का एक सिस्टम है, नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान शरीफ का पढ़ना है, सिपारा वगैरह जो भी है उसका एक सिस्टम बनाते हैं, तो फिर वो बच्चा अपने लिहाज से चीज़ों को और आगे बहुत सीरियसली तरीके से लेगा, ऑन टाइम लेगा, हर चीज़ को ऑन टाइम करने की कोशिश करेगा। तो सेहत और आफियत का भी हमें पूरी तरह से उन बच्चों का ध्यान रखना है और हर वक्त ये फिक्र करनी है कि बच्चे की तरक्की और कामरानी की हमें फिक्र करते रहना है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो इस परवरिश के लिए तालीम और तरबियत के जो सलीक़े हैं वो गैर मामूली नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। वालदेन और वालदा की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये दोनों वालिद और वालदा दोनों की ज़िम्मेदारी है, बल्कि घर के जो दूसरे अफराद हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा अपने घर से, माहौल से बहुत कुछ सीखता है और माहौल ही उनको बहुत कुछ सिखाता है। और पहला जो मदरसा है वो हमारा घर है, अगर हम घर में बहुत खुशगवार रहेंगे तो जो है बच्चे के उसके ऊपर पॉजिटिव असर आएगा। बात कुछ कर लेते हैं नाकामी के असबाब। नाकामी के असबाब में तालीम और तरबियत बहुत ही सब्र, आजमाइश और तवज्जे से की जानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी है। बहुत जल्दी हमारी कौम में ख़ास तौर पे ये एक जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है, सब्र बहुत कम है और आजमाइश हमें मानना है भाई कि ये आजमाइश है, बच्चे की परवरिश एक आजमाइश है, तो उसको सब्र और तवज्जे के साथ अगर हम बच्चे की तालीम और तरबियत उसकी करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें आगे बहुत मिलेगा, बच्चा एक अच्छा शहरी इंशाल्लाह एक अच्छा इंसान बनेगा। उसके साथ साथ आम तौर पर बच्चों की उम्र और सलाहियत से ज़्यादा जो है हम उनसे काम ले लेते हैं और तौके कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा जो है ये सानहा समझ लीजिए हमारे माशरे का, कि हम जो है इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं। बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी है, बच्चों को उनकी सलाहियत, उनकी उम्र के हिसाब से हमें उनको समझना, उनके साथ उनकी ज़िम्मेदारियाँ देनी है। उसके साथ हम बहुत जल्दी मतलब बददिल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, ताने भी बहुत होते हैं, मायूस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ज़रा सा बच्चे का टेस्ट नहीं निकल पाया तो पता चला बहुत मायूस हो गए, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। भाई बहुत आगे बहुत फ्यूचर है, आप बच्चों को मोटिवेट करें अपने अपने लेवल पर और जहाँ कमियाँ होती हैं वहाँ पर उसको दूर करने की कोशिश करें और देखें कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेसेस क्या हैं, बच्चों को हम कौन कौन से मौके दें, अपॉर्चुनिटी दें और बच्चों को किस किन बातों का डर लगता है। इन चार जो वर्ड्स पे अगर हम चार अल्फ़ाबेट पे हम फोकस करेंगे और एक वर्ड शॉर्ट होता है SWOT, तो यकीनन बच्चों के अंदर जो सलाहियतें वो इम्प्रूव होंगी। और
ये बात बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बड़े जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा नमूना पेश करते हैं, तो हमारे से कोई ऐसी गलती ना निकल जाए कि हम जो है ये हमारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, हमारी ज़बान के ज़रिए से कि ऐसी कोई गलती ना हो कि बच्चा उसको, देखिए बच्चा बहुत आजकल साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग है और बच्चे हमारी बहुत माइन्यूट तरीके से चीज़ों को देखते हैं, तो हमें कोई गलत नमूना नहीं बनाना, हमें उनका एक अच्छा नमूना बनाना ताकि वो हमारी कॉपी है और हमें आइडियल बने हम उसके। और उसके साथ साथ वालदेन के बीच में ना इत्तेफाकी और ना खुशगवारी, ये एक बहुत बड़ा मसला है आजकल के दौर में, ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में, तो इसके का असर जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसका असर ये पड़ता है कि बच्चे जो हैं जिनकी जो सलाहियत होती हैं उतनी सलाहियतों का इस्तेमाल वो नहीं कर पाते और उनका ज़्यादातर टाइम जो है वो इधर उधर उस चीज़ों में फोकस होता रहता है। तो इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम बच्चों को ले जाना है तो बच्चों वालदेन की खुशगवारी के साथ माँ घर का, और यहाँ कहते हैं ना इत्तेफाकी और ना खुशगवारी माहौल घर में ना आने दें। उसके साथ साथ नो डाउट ये है कि आजकल के दौर जो है इस तरह से अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ख़ासतौर पे वालिद या वालदा अगर दोनों ही जॉब कर रहे हैं तो कश्मकश में लगे हुए हैं, अपने अखराजात को पूरा करने में लगे हैं, क्योंकि सनती इंकलाब की वजह से इतने अखराजात हर आदमी कॉम्पिटिशन में और अपने आप को सर्वाइव करने में लगा हुआ है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसके चक्कर में जो हमारा सबसे बड़ा जो तोहफा अल्लाह ताला ने हमें दिया है उस पर, इन सब दुनियावी चीज़ों के चक्कर में हम अपने ऐसा ना हो कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत सही से ना कर पाएँ। इसलिए बच्चों को हम कितना भी मसरूफ़ हों, बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनके लिए उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, उनकी हेजिटेशन रिमूव करें और इनके एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करें, और तामीरी मशगल या जो भी आपका कह सकते हैं मौजू है खेल, उनके साथ चीज़ें करें, इंडोर गेम आउटडोर गेम करें। ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पा रहे तो कम से कम हफ्ते में एक दिन उनके साथ वक्त निकालें, या कोशिश ये करें कि हर रोज़ हम कम से कम आधा घंटा एक घंटा बच्चों के साथ रहें। तो इस तरह के बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी बात जो होगी वो बच्चे जो डिमोटिवेट नहीं होंगे, और आजकल का जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है डिप्रेशन, वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे वो बच्चे, और आपसे जब खुलेंगे बात करेंगे अपने आपको अच्छा समझेंगे तो फिर जो है वो उसका फ़ायदा मिलेगा। और देखिए ये एक बड़ी इत्तेफाक की बात है कि हमारे यहाँ एक कमी कह लीजिए कि वालदे को अच्छे स्कूल नहीं मिलते और फिर अच्छे स्कूलों को अच्छे वालदे नहीं मिलते। तो अगर आप एक अच्छे वालदे हैं तो फिर उम्मीद करें कि एक अच्छे स्कूल में उनकी तालीम दें, और अच्छे स्कूल के असाज़ा से मेरी गुजारिश ये है कि वो एक अच्छे असाज़ा बनने की कोशिश करें और अच्छे बच्चों की तरबियत के लिए पूरा अपना वक्त लगा दें। तो गफलत के नतीज की अगर हम बात करते हैं तो तालीम और तरबियत की तरफ से गफलत बेशक न सिर्फ अफराद कुंबों बल्कि मुल्क व मिल्लत सबको नुकसान होगा। अगर बच्चे हम जो बात कर रहे हैं अगर हम बच्चे अच्छे नहीं निकले आगे तो फिर उसका नुकसान इंडिविजुअल नुकसान के साथ साथ ख़ानदान का भी नुकसान होगा, उसके साथ साथ एक सूबे का एक शहर का और एक मुल्क का भी नुकसान होगा। तो इस बात को हमें समझना होगा, बल्कि हमें मिल्लत का भी एक नुकसान होगा। तो हम अल्लाह ताला ने जो हमें गिफ्ट दिया है औलाद के तौर पे, हमारा ये जिम्मेदारी इनफरादी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि हम इस मिल्लत के लिए बच्चा हमारे लिए कितना काम आ रहा है, हमारे ये जो बच्चा है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए कितना काम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको जब हम ध्यान में रखेंगे तो नो डाउट तालीम और तरबियत का एक बहुत असर, पॉजिटिव असर होगा। उसके साथ साथ अगर बच्चे देखिए नाकारा निकले, निकम्मे निकले, या उनकी सलाहियतें या बुरी सोबियत में वो लोग पड़ गए, तो उसका जो गलत रुख का हो जाएगा, गलत डायरेक्शन में वो चले जाएंगे और उसका नुकसान जो है सबको होगा, और हम लोग जो है अच्छे शहरी से महरूम हो जाएंगे। ये एक बड़ी एक कमी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बच्चों की तालीम और तरबियत की मुस्बित अफराद किया, तो इनकी सलाहियों को हमें उभारना है और उनको संवारना है, उनको पहचानना है, दुनियावी और दीनी दोनों तालीम देनी है उनको, उसके साथ साथ उनके अकायद जो हैं उनको इम्प्रूव करना है, बच्चों को के साथ वक्त गुजारना है, बच्चों के साथ इतना घुल मिलना है कि वो आपको एक अच्छा दोस्त समझें, आपसे आपकी बातें हर बात शेयर करने की कोशिश करें, उनको ऐसा ना लगे कि वो अपनी बातों को शेयर करने के लिए किसी दूसरों का सहारा लेना पड़े, आप खुद अच्छे उनके दोस्त बने। उसके साथ साथ वो अपनी इनफरादी खान
ख़ानदानी और इज्तमाही ज़िम्मेदारियों को समझें, इसके लिए तालीम और तरबियत की बहुत ज़रूरी है। और हमें उनको एक अल्लाह के सहले बंदे, अल्लाह जो कि माशरे की खिदमत भी करें और उसके साथ साथ एक खादिम की हैसियत से वो अपने मुल्क और अपने अपने जो सूबे शहर इन सब की खिदमत कर सकें। एक ऐसे वफादार शहरी हमें बनाना है और मुल्क की मईशत और आमदनी, नो डाउट है कि अगर अच्छा शहरी होंगे, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल होंगे हम, तो क्या होगा कि मुल्क की मईशत और आमदनी पे भी उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा और इजाफा होगा और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो भी इम्प्रूव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मुझे सुना। इसी तरह से मैं इंशाल्लाह मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे वीडियोस को आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।